आज मैं आपको रात की बची हुई बासी रोटी से एक नई रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। टेस्टी हांडी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तो चलिए जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले चार रोटियां लेते हैं और हाथों की मदद से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। जितनी भी आपके पास बची हुई रोटियां हो उनको आपने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। कोई नाप नहीं है, आप जिस तरह मर्जी छोटे बड़े टुकड़े कर सकती हैं। अब हम मिक्सर में डालकर इनको पीस लेंगे। यूं तो बची हुई रोटी की बहुत सारी रेसिपीज बन सकती हैं, लेकिन जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं वो बिल्कुल नई रेसिपी है। पीसी हुई रोटी को इस तरह से बॉल में डाल लेंगे। पहले हम एक अदद आलू लेंगे और इसको इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों की मदद से भी मैश करके डाल सकती हैं। आलू डालने से हमारी रेसिपी में बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे कटी हुई बंद गोभी, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्चें, बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, एक चम्मच नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा कप कॉर्नफ्लावर, आपके पास जो चीजें नहीं है वो ना डालें। आप अपने हिसाब से कम ज्यादा चीजें डाल सकती हैं। चाहे तो गाजर और शिमला मिर्च भी इसमें डाल सकती हैं। जो सब्जी आपको पसंद है आप इसमें डाल सकती हैं। तमाम अज्जा को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब थोड़ी सी मकदार लेके इस तरह से इसको बॉल की शेप दे देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए हमने तमाम को बॉल की शेप में इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम एक पैन में ऑयल लेंगे और इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। सुनहरा कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी रेसिपी तैयार होना शुरू हो चुकी है।
ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। जब भी आपके पास पुरानी रोटी बचे तो आप घर में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।